हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। चैनल पे नया तो नीचे जाके जल्दी कर दीजिए सब्सक्राइब। और एक और मिशन में आप सभी का स्वागत है गाइस। सो आज लेस्टर और ये फ्रैंकलिन का पहला मिशन है जो कि पर्सनली लेस्टर ने फ्रैंकलिन को सौंपा है। सो गाइस यहां पे बहुत खतरनाक मिशंस होने वाली है। इतनी कोई खास मिशन नहीं है, इतनी कोई खतरनाक नहीं है। सो एक बंदा है जो काफी अच्छा बिजनेसमैन है, सो उसे उड़ाना है आज हमें गाइस। तो वही मिशन जो देना चाहता है, जो लेस्टर है वो फ्रैंकलिन को सौंपना चाहता है कि आप इस मिशन को कंप्लीट कीजिए, आप सभी को अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। So guys, यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई खास वो है नहीं, बस खतरनाक थोड़ी सी वो है मिशन, थोड़ी सी है, ज़्यादा खतरनाक नहीं है। सो गाइज यहाँ पे फिर से जाके नहीं चलता हूँ, चलो जल्दी चलते हैं। सो होटल पे वो जो बिजनेसमैन है वहाँ पे, सो मैं इसको बता दूँ कि वो जो शायद बियर बार चलाता है और काफ़ी अच्छा वो बिजनेसमैन है, काफ़ी महंगा आदमी है। सो गाइज यहाँ पे कहीं पे चूतियापा कोई गाड़ी मिल जाए यहाँ। रुक, तुमने मुझे गिराया, मैं तुझे गिराऊंगा, चला जा। सो गाइज हम चलते हैं उस बिजनेसमैन को उड़ाने। आज का ये हमारा पर्सनली, अबे मजाक हो गया लोड़े रुक ले, अभी ले बड़ा ले ले। सो गाइज यहाँ पे मैं कोई पंगा नहीं लेना चाहता हूँ और यहाँ से निकलना चाहता हूँ गाइज मैं थोड़ी, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता इस मिशन को। और यहाँ पे इस लौंडे की गाड़ी को लेता हूँ और चलते हैं अब मिशन की और तरफ, और बिना बकरी के इस मिशन को करते हैं जल्दी से कंप्लीट। और जल्दी हम पहुँचते हैं उस होटल पे जहाँ पे वो लौंडा है रईस। सो गाइज आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे GTA 5 के अंदर हम जाते हैं जब भी यहाँ कोई भी मिशन को कंप्लीट करते हैं तो हमें काफ़ी झेलाव रस्ते या फिर ड्राइविंग करना पड़ता है यार, बहुत बोरिंग लगता है गाइज आप समझ सकते होगे। सो यहीं पे आसपास में कहीं पे होटल है तो यहाँ पे मैं आकर टकरा रहा हूँ यार, बिना बकरचोदी के गेम नहीं हो पाती है। सो यहीं आसपास में होटल है गाइस, तो यहीं पे वो बियर बार का मेन रईस लौंडा यानी बिजनेसमैन है। सो यहाँ पे हम आ गए, तो ये रहा होटल, यहीं पे है कोई बिजनेसमैन, सो उसी उड़ाना है हमें। और उसकी अच्छी खासी ड्रग्स अफीम बहुत सारे GTA 5 के अंदर जो भी वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, और घूम फिरा के वो काफ़ी रईस है और रीच है काफ़ी। सो उसे हमें यहाँ से टारगेट लेना है, तो इसके लिए हमें अपना स्नाइपर निकालना पड़ेगा गाइस। तो आप समझ सकते हो स्नाइपर कितनी खतरनाक चीज़ होती है। और यहाँ पे अलर्ट है, यहाँ पे हमें एक चेकआउट टाइम का ऑप्शन दे रहा होगा, आप साइड में देख सकते हैं अभी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्कीप कर देता हूँ। सो गाइस अब जल्दी वो चेकआउट करने वाला है वो बिजनेसमैन। यार कौन सा बिजनेस मैन है GTA 5 के अंदर, कौन सा बिजनेस कर रहा है पता नहीं है, लेकिन लेस्टर ने मुझे पर्सनली इस लौंडे को मारने के लिए किया। सो यहाँ पे अब पहुँचने ही वाला है वो बंदा और यहाँ से मुझे टारगेट लेना पड़ेगा उससे। सो अभी आने ही वाला है। सो गाइज आप देख सकते हो यहीं आसपास में है। सो ये तो नहीं है, तो अभी नहीं आया है, चेकआउट का टाइम नहीं है। सो मैं इसे ही ले लेता हूँ और डायरेक्ट उड़ा दूंगा इससे। सो यहां से हो गया है कंप्लीट। सो गाइस यहां से निकलते हैं पहले। तो यहाँ पे बकरचोद नहीं करना चाहता मैं कुछ भी। सो गाइस यहाँ पे हमारा मिशन फेल्ड हो गई थी, तो हम फिर से एक बार ट्राई करेंगे। ट्राई करने में कोई मुझसे कुछ चूक हो गई थी और मुझे वो समझ नहीं पाया मैं कि वो कौन है यार, इतनी छोटी जगह पे कुछ समझ नहीं आ पाती है। तो यहीं पे आसपास में टारगेट लगाता हूँ यार, अभी थोड़ी टाइम लगेगी फिर से चेकआउट करने में। सो लौंडे के ही इंतज़ार करते यार, कौन सा बिजनेसमैन है, क्या बकरचोदी है यार, ये क्या मिशन है यार।
सो वेट करते हैं गाइस, तब तक हम सो गाइस आप देख सकते हैं यार काफी खतरनाक यहाँ पे सिक्योरिटी का अलर्ट दिया गया है, यानी मुझे लगता है काफी रीच मैन है यार वो। सो यहीं पे चेकआउट का ऑप्शन है, जस्ट अभी कुछ देर में ही पहुंचने वाला है वो। सो चेकआउट जैसे करेगा हम उसे भून डालेंगे और यहाँ से अपना कार उठा के भागेंगे पहले। सो आज हम लेस्टर का दिया हुआ वादा को करने वाले हैं पूरा यार। तो भाइयों यहाँ पे स्टार्ट कर दो अपना। सो यहाँ पे अब लौंडा आने वाला है। Keep your eye out for anything unusual. Let's see if we can get through one day without some wannabe hippie waving an anti-globalization sign in my face. सो यहाँ पे गया। सो यहाँ पे मुझे लगता है उसे हमने साफ कर दिया है। चल 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 गाइज, अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि हमने उस लौंडे को साफ कर दिया है। कौन है रे, कौन है रे लौंडे, कौन है रे? सो गाइज अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, लिव इन एरिया, यहाँ से इस एरिया से हमें निकलना पड़ेगा वरना हमें ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे यार। यहाँ से हमें पहले भागना पड़ेगा। सो इस एरिया अरे 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 रुक रुक रुक। सो यहीं के आसपास के एरिया पे हमें कहीं पर रुकना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं गलत जगह पे घुस गया हूँ गाइस, आप यहाँ से देख सकते हो, और मैं यहीं आसपास में कहीं छुप जाता हूँ ताकि यहाँ पे किसी को शक ना हो और उनके दायरे पे नहीं आना है मुझे। यहाँ पे गोल्फ की जगह पे आ गया हूँ मैं और यहाँ पे दायरे पे नहीं आना है। पूरी एरिया को यार कैप्चर करके रखे हैं और यहाँ पे यार मेरा ग्राफिक मेरे साथ धोखा कर रहा है। यहाँ से अरे यार हम तो गोल्फ की जगह पे आ गए हैं और यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोई हमें खोज पाएगा। तो यहीं आसपास में मुझे रुकना पड़ेगा गाइस, मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कोई खोज पाएगा। सो फाइनली गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि पुलिस वालों ने हमारा पीछा छोड़ दिया, यानी मुझे अरे अभी भी यार यार पीछे हैं आप, अभी भी हमारे पीछे लगे ही हुए हैं पुलिस वाले। सो जब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूँगा गाइस तब तक ये लोग पीछे लगे ही रहेंगे और यहाँ से शायद मुझे लगता है। सो गाइज यहाँ पे फाइनली हमारा आज का जो मिशन है वो कंप्लीट हो गया। चैनल पे नए तो नीचे जाके कर दिए सब्सक्राइब, और ये कोई इतनी खास लगी नहीं मुझे। सो फिर भी आप मुझे ये चैनल को कर दिए जल्दी सब्सक्राइब, तब के लिए थैंक यू और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक यू।